हम जा रहे हैं जयशंकरा के दर्शन करने के लिए, और आज मेरे साथ है मिस्टर ओलिक तांगो जी, जो पेशे से शिक्षक है और साथ ही सिंगर, एक्टर और कराटे मास्टर भी है। ये पुल टूटिंग से जीदो को जोड़ता है। हमने सियांग ब्रिज पार कर लिया है। मैंने पहले कभी जयशंकरा नहीं देखा है और आज पहली बार जयशंकरा का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। हम जयशंकरा पहुँच गए हैं और हम ओलिक तांगो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जयशंकरा है क्या, आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है जिसे आदि और बुद्धिस्ट दो कम्युनिटी के लोग पूजा करते हैं। अच्छा तांगो सर, अभी आप जयशंकरा के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है, तो आप इसका बारे में कुछ हमें बता दीजिए कि ये क्यों है और क्या है और कैसा है। जी ये दरिता सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जयशंकरा एक्चुअली मीन्स इसका मीनिंग क्या है और जयशंकरा को किस लिए यहाँ बुद्धिस्ट लोग पूजा पाठ करते हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा। लेकिन मेरा बुद्धिस्ट भाई बहनों के लिए ये कोई नया बात नहीं है, वो ये सब के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे हमसे ज़्यादा जानते हैं वो। लेकिन मेरा रिसर्च के दौरान एक बुद्धिस्ट आदमी के साथ हम मुलाकात हुआ था, उसने हमको क्या क्या बताया है उनको मैं लोगों को एक्सप्लेन देना चाहता हूँ। तो ये है जयशंकरा, इसको बोलता है जयशंकरा, और जो लोग यहाँ इसको वर्शिप करने आते हैं, प्रेयर करने आता है, वो यहाँ से राइट से लेके राउंड लगाएगा, पूरा राउंड कंप्लीट लेफ्ट तक, राइट से लेफ्ट तक करके आएगा। इसको जो जो पूजा पाठ करने आता है वो यहाँ सब पूजा पाठ में मंदिर में क्या क्या चढ़ाता है वो सब लेके आता है यहाँ पे, और यहाँ दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और यहाँ राइट से शुरू करके राउंड करते हैं। तो ये है हमारा जचुंग, ये हम रिसर्च के दौरान हमको एक बुद्धिस्ट आदमी ने हमको बताया था कि जचुंग का मीनिंग क्या है। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जचुंग इज बर्थ, चिड़िया को बोलते हैं जचुंग, और ये भाषा जो है कि तिबेटियन भाषा से बोलता है जचुंग, लेकिन ये इसका मीनिंग होता है चिड़िया, पक्षी, और इसको हम संस्कृत से कहते हैं कि गरुड़, और हमारे यहाँ के लोकल आदि डायलेक्ट से कहते हैं कारुलीदुंग। ये है, इसको कहते हैं कि इस जचुंग का अंडा, इसको जचुंग का अंडा माना जाता है, और इसका इसमें कहना है कि इसका इसको मानना है कि जो लोग बाल बच्चा नहीं हो पाता है वो इन पत्थर को उठा के यहाँ चक्कर लगाने से, राउंड लगाने से उनके बाल बच्चे हो जाते हैं, ऐसा मानना है। यहाँ देखिए, यहाँ पत्थर का एक गड्ढा है, यहाँ प्रेयर के दौरान बुद्धिस्ट लोग यहाँ से इस पत्थर से गुजरते हैं, पार करते हैं, और उनके मानना है, बुद्धिस्ट लोगों के मानना है कि जिसका मन साफ होता है वो इस छेद से आसानी से निकल जाते हैं, और जिसका दिल में पाप भरा होता है वो इस गड्ढे को पार करना नामुमकिन होता है, ये बुद्धिस्ट लोगों का मानना है। ये दिया जलाने का स्पॉट है, यहाँ पे जो लोग प्रेयर करने आते हैं यहाँ दिया जला देते हैं कि अपना दिल का इच्छा पूरा करने के लिए और भगवान को खुश रखने के लिए, यहाँ दिया जला के अगरबत्ती जला के पूजा किया करते हैं। हमने बुद्धिस्ट के नियमानुसार जयशंकरा का घूम कर चक्कर लगाया। बहुत से लोग को मालूम नहीं होता है कि इस जयशंकरा को किस लिए पूजा पाठ किया जाता है बुद्धिस्ट लोग। मेरा रिसर्च के दौरान हम पता लगाया है कि इसको किस लिए पूजा करता है और क्यों पूजा किया जाता है। तो उस बुद्धिस्ट का कहना है, हमको जो बताया तो उनका कहना है कि यहाँ उस आदमी लोग पूजा पाठ करने आता है जिसको लू अटैक करता है। लू ये तिबेटियन भाषा है, लू का मीनिंग माने बीमार है, किसी एक तरीका का बीमार को बोलते हैं, काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड लू। ये लू को हमारा अपना भाषा से बोलते हैं कि सिरोदा दुआ बोलना, और ये
सियुंगा दोआ बोलना, ये सब हम अपना लोकल भाषा से बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट से। लेकिन तिब्बतन भाषा में लू कहते हैं, लू। और ये लू है कि हमारे संस्कृत में कहता है कि नागा। तो जो लोग जैसे कि बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बहुत बड़ा बड़ा चट्टानों में पेशाब करता है, टॉयलेट करता है, या किसी बनियान ट्री में पेशाब करते हैं, या किसी दलदल एरिया में पेशाब करता है, टॉयलेट करता है, तो उन सबको एक काइंड ऑफ डिजीज उसको पकड़ता है, उसको बीमार पड़ जाता है। तो उस बीमार से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आके पूजा पाठ करता है। तो यहाँ आके पूजा पाठ करने से उस लू अटैक से वो ठीक हो जाता है, उसका बीमार स्वस्थ हो जाता है, ऐसा मानना है। इसी दौरान हमारा मुलाकात गबोंग तांगन जी से हुआ, जो खेत से अपने दोनों बेटों के साथ गांव को लौट रहे थे। गबोंग जी से भी हमें जाचुंगकोरा के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। ये देखिए, यहाँ केवल बुद्धिस्ट नहीं बल्कि हमारे लोकल लोग भी यहाँ, हमारे आदि लोगों भी यहाँ आके ट्रेडिशनल पूजा पाठ किया करते हैं। उनका मानना है कि अगर बस्ती में कोई बहुत बड़ा बीमार होगा तो उसको, उस बीमार को दूर करने के लिए वो यहाँ आके पूजा पाठ किया करते हैं। और मैथुन का कोई बीमार आएगा या कोई सुअर का बीमार आएगा, उन सबको दूर भगाने के लिए भी यहाँ आके पूजा पाठ किया करते हैं। इस प्रकार ये जाचुंगकोरा यानी तिब्बतन से जाचुंग बोलता है और हमारे आदिवासी से कारी लिदुंग बोलता है। ये कारी लिदुंग हमारे जीदो विलेज में है, जीदो बस्ती में है, जबकि अपरसंग डिस्ट्रिक्ट है और हमारा तुतिंग सर्कल है, यहाँ पे लोकेटेड है ये हमारे कारी लिदुंग यानी जाचुंगकोरा। जाचुंगकोरा के बारे में बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, आखिरकार आज दर्शन कर ही लिया।